आपके आपके शहरों में बाजार सज धज कर तैयार होंगे। दिवाली और बाजार के जो रंग हैं कुछ इस तरह, तरह तरह की रंग बिरंगी मूर्तियां मिल रही हैं, लटकाने के लिए, चिपकाने के लिए एक से एक स्टिकर्स मिल रहे हैं, एक से एक सामान मिल रहे हैं, शुभ लाभ लिखा हुआ स्टिकर मिल रहा है और जो ग्राहक हैं वो सब सड़कों पर हैं, खास करके महिलाएं एक से एक चीजें जो है खरीद रहे हैं। अब इस धनतेरस आप क्या खरीद रहे हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल मौजूद हैं हजारीबाग की सड़कों पर और यहाँ कई फैमिलीज भी जो हैं वो कुछ न कुछ बाय कर रही हैं। मैडम बात करना चाहेंगे आपसे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या खरीदारी हो रही है इस बार धनतेरस और दिवाली को लेकर? गणेश लक्ष्मी जी की खरीदारी हो रही है और दिवाली के लिए जो भी फ्रूट्स मिठाई वही सब हो रही है। अच्छा, अलग कुछ लगा मार्केट में? जैसे हर साल कुछ न कुछ नया आता है या मूर्तियों में भी कुछ स्पेशल बना होता है, कुछ डिफरेंट? हाँ, डिफरेंट तो वैसा कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा जो ट्रेडिशनल हम लोगों का होता आ रहा है दिवाली उसी तरह का सारा कुछ है और चेंज बस यही है कि मार्केट में भीड़ भाड़ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है ना। भीड़ भाड़ ज्यादा है इस बार, भीड़ भाड़ ज्यादा है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस और दिवाली की। फिलहाल हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कई तरह की चीजें मिल रही हैं और क्या क्या इन सारी चीजों का नाम है भाई साहब के शॉप में ये बताइएगा जरा, क्या क्या नाम है? ये देखें, यहाँ तरह तरह का छोटा छोटा जो है पॉट मिल रहा है, तरह तरह के दीपक मिल रहे हैं, सजावट के सामान मिल रहे हैं और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि गणेश लक्ष्मी के जो मूर्तियां आपको नजर आ रही हैं वो काफी खूबसूरत खूबसूरत है और साथ ही साथ जो चुनरी है, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखें, ये बहुत बेहद खूबसूरत मूर्ति है। क्या इस बार नया आया है मार्केट में ये बताइए, दिवाली धनतेरस? पहले से भी आया हुआ है, सेम वैसा ही सब, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, चुनरी और वही सब। अच्छा, स्टिकर्स वगैरह में कुछ नया? नहीं, हम तो नहीं लाए नया। आप नहीं लाए? कैसे बिक रही है मूर्तियाँ, जैसे छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, किस रेंज में? अभी तो 151 से स्टार्ट है, 2051 तक। पंडित जी वाला रेट रखे हैं 151 जी। नहीं, एक तो नहीं लेते हैं लेकिन बताते हैं, रेट तो वही लेते हैं। कहाँ से लाते हैं मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत खूबसूरत? कलकत्ता से। हाँ, कलकत्ता का मूर्ति, मतलब कलकत्ता में पूजा पाठ खूब फेमस है। हाँ, पूजा पाठ वहाँ का फिनिशिंग अच्छा रहता है, बंगाल की मूर्तियों का फिनिशिंग काफी खूबसूरत रहता है और जाहिर तौर पे आप देखेंगे भी काफी खूबसूरत खूबसूरत जो है देखेंगे आप, मतलब आपका मन एकदम जो है ना प्रफुल्लित हो जाएगा। इस तरह की मूर्तियां आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां इस बार मार्केट में आई हुई हैं, मीन्स आप उसको हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हैं इस तरह की मूर्तियां। बाकी इधर भी देखेंगे कई तरह के लटकन के, नजर से बचने के, बिल्कुल आर्टिफिशियल मिर्च और लेमन का जो है ये आप देखेंगे, बाकी शुभ लाभ लिखा हुआ, श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें मार्केट में आई हुई हैं, पूरा मार्केट जो है गुलजार हो गया है। साथ ही साथ सजावट के लिए आप देखेंगे तरह तरह के आर्टिफिशियल फूल वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, तरह तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल जाएंगे। आप अपने घर को इस दिवाली, इस धनतेरस किस तरह से सजा रहे हैं ये जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आपको और हम दिखाएं, सड़क के उस तरफ भी देखेंगे आप, अभी फिलहाल हम लोग झंडा चौक हजारीबाग के पास मौजूद हैं और सड़क के उस तरफ भी खरीदारों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। अब यहाँ जो है, अरे बाप रे, इतना क्या क्या खरीद के ले जा रही है, पूरा घर खूबसूरत कर लेना है। क्या कीजिएगा, आप तो खूबसूरत करना ही है। आप भी बहुत प्यारी लग रही है, सज धज के तैयार है माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, क्या वैल्यू है धनतेरस का? कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन का दिन है वो। बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। मुहूर्त कब निकला है, किस वक्त पूजा होनी है? 3 बजे के बाद पूजा, मतलब 3 बजे दोपहरिया के बाद पूजा करना, पूजा करना है। शाम तक होगा पूजा, रात तक पूजा होगा, रात तक पूजा। कल के दिन? कल नहीं, मंगल के दिन, मंगलवार के दिन। अच्छा, और कल धनतेरस है? कल तो मंगल है, धनतेरस बृहस्पति के दिन, बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन। हाँ, गुरुवार के दिन जी। अच्छा, किस तरह से पूजा करती हैं आप लोग, क्या सब एक ही घर के? हाँ,
क्या क्या खरीदी है इस बार? मूर्ति खरीदते हैं, माला खरीदते हैं, उनको बैठाने के लिए आसन, उनको जितना सजा पाए, जितना प्रेम कर पाए। हाँ हाँ हाँ, खुद भी धनतेरस में जितना सच जितना सच पाए। तो इस बार धनतेरस में क्या खरीदे? धनतेरस में हम मंगलसूत्र खरीदे और सिक्का खरीदते हैं हम लोग, कल सिक्का खरीदेंगे। कहते झाड़ू बहुत शुभ माना जाता है, झाड़ू भी खरीदेंगे, झाड़ू खरीदेंगे, सिक्का खरीदेंगे, कल झाड़ू खरीदेंगे। झाड़ू, खड़ा धनिया, नमक, ये सब चीजें क्यों, इतना मायने है इन चीजों का, क्या मतलब इतिहास क्या है इसका? परंपरा चला आ रहा है, लक्ष्मी लक्ष्मी मानते हैं लोग, लक्ष्मी है घर की, लक्ष्मी है इसके चलते लक्ष्मी है घर में। आज उसके बाद जब जितना सजाइए, जितना सजाइए। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हजारीबाग अपडेट्स पे आप लोग लाइव हैं और ऐसे में देखना चाहेंगे, देखिए इधर अंकल एकदम पैकिंग कर रहे हैं, अंकल को सांस लेने का फुर्सत नहीं मिल रहा होगा। क्या लगता है पूरी खरीदारी हो रही है, मार्केट कैसा है? ठीक है, ठीक है, मार्केट ठीक है, बढ़िया मार्केट है, बाजार ठीक है। सब कह रहे हैं ग्राहक लोग की इस साल ज्यादा भीड़ भाड़ है। भीड़ तो अभी कल होगा, कल होगा, आज नहीं कल होगा। मतलब आज जिनको जिनको लेना है वो ले रहे हैं, लेकिन धनतेरस में लेना ही लेना है, वो तो कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है, ऐसा बात नहीं है। इतने साल से दुकान चला रहे हैं अंकल? 8-10 साल हो गया। इतने साल में पहले और अभी में क्या डिफरेंस लगा, क्या विभिन्नता लगी? बारिश की वजह, मौसम की वजह से थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन अभी आज सुधार हुआ है, थोड़ा उखेल हुआ है। अच्छा, 8 साल पहले का धनतेरस लोग जो मनाते थे या दिवाली, और अभी जो मनाते हैं, क्या परिवर्तन क्या आया है? परिवर्तन तो वैसा नहीं है कुछ, लेकिन सब पारंपरिक चला आ रहा है, जैसा है वैसा चला आ रहा है, जैसा पूजा पाठ है वैसा तो करना ही है। सबसे हाई रेंज की जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां भी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं लक्ष्मी गणेश की। 8,000 रुपए का मूर्ति है। 8,000 का? बताइए, 8,000 का है, 6,000 का है, मैंने मेरे मिनिमम प्योर मिट्टी का है, बंगाल का है। सब आप लोग बंगाल से लाते हैं पूरा, इधर तीनों चारों दुकान? नहीं नहीं, ये लोग तो बनारस से लाता है अगल बगल, लेकिन मैं लाता हूँ पूरा। आप पक्का बंगाल से लाते हैं? क्यों लाते हैं, वहाँ से क्या खूबी है वहाँ की? गंगा जी का मिट्टी का बनता है, इसके लेके होता है और कुछ नहीं। अब फिनिशिंग सुनते हैं, बंगाल का बहुत शानदार रहता है, और देख रहे लाइट्स जो है जगमगा, लाइट वगैरह नहीं रखे हैं दीपावली के लिए? ये देखिए, ये जो है मूर्तियां देख रहे हैं आप, और एक से एक चुनरी और सजावट के लिए सामान, और एक से एक सजावट के सामान इधर भगवान को और सजाने के लिए। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ स्टिकर्स वगैरह भी बहुत है कि घर के पास जो है आर्टिफिशियल रंगोली कहते हैं इसको, घर के पास चिपकाते ही चिपकाते हैं लोग, और ऐसे में पूरा बाजार जो है गुलजार हो गया है। और ये देखिए इतना प्यारा सा जो है कलश लेकर के मैडम जा रही हैं, ये कितने रेंज में आ गया? 50 रुपये। कितना प्यारा लग रहा है ये नारियल तो ओरिजिनल नहीं होगा, नारियल ओरिजिनल नहीं होगा ना, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, इसको ले सकती हूँ मैं? इसकी तो अभी पूजा होनी बाकी है। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा जो है मिल रहा है, बिल्कुल मैडम के साड़ी से मैच कर रही है। देखिए लाइट भी आ गया, मैंने सच बोला। तो ऐसे में खुश मिजाज हैं सभी लोग, पुरजोर तरीके से जो है शॉपिंग कर रहे हैं, एक से एक चीजें मार्केट में मिल रही हैं। और फिलहाल झंडा चौक के पास की तस्वीर कुछ ऐसी है। जी बिल्कुल बोले, क्या बोलना चाहते हैं? हम सभी हिंदू भाइयों से प्रार्थना करते हैं, सामान हिंदू भाइयों से ही ले जो आपके। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ अब हम लोगों को जो है वो अब इजाजत दीजिए, और ये जरूर बताइए कि आप धनतेरस में क्या खरीदारी कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम उत्सुक है ये चीज जानने के लिए, और साथ ही साथ आपके शहर में कैसा गुलजार है पूरा बाजार, ये भी जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए, ढेर सारा ख्याल रखिए अपना, और हजारीबाग अपडेट्स को यूं ही प्यार देते रहिए। शुक्रिया।